दोस्तों ये देखिए, ये 32 इंच का एलईडी टीवी है। इसमें प्रॉब्लम देखिए, ये पिक्चर ऐसे ही आ रहा है। तो ये भी का जो सिग्नल है, नो सिग्नल दिखा रहा है और उसके साथ पिक्चर में नॉइस आ रहा है। तो ये भी करके एक बार देख लेते हैं। आप सिम्टम्स देखिए, इसका सिम्टम्स क्या है पहले समझिए। ये डिस्प्ले का प्रॉब्लम है या फिर मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है? तो देखिए दोस्तों, तो मैं टीवी को खोल चुका हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें ये मदरबोर्ड लगा हुआ है और ये टीकॉन पीसीबी के साथ स्केलर पीसीबी ए फिफ्सी केबल्स के द्वारा जुड़ा गया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये टीवी है। तो पहले मेन फिल्टर का कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलईडी ड्राइवर वोल्टेज 12.4 वोल्टेज, ये भी सही है। मेन आईसी के लिए जो सप्लाई है वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो पैनल वीसीसी सप्लाई भी एक बार चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर भी सारा वोल्टेज सही है। टीकॉन पीसीबी में जितना सारा वोल्टेज जनरेट होता है वो सब कुछ यहाँ पर जनरेट हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे टेक्नीशियन दोस्त टीवी भेजा है, उन्होंने काफ़ी इसमें काम किया है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो उन्होंने इसका कैपेसिटर सारा चेंज कर दिया, सब कुछ देख लिया लेकिन काम नहीं बना। मदरबोर्ड रिप्लेस करने के बाद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो कस्टमर का कहना है कि वो मदरबोर्ड रिप्लेस नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मैंने एक सॉल्यूशन इसका निकाला है। देखिए दोस्तों, मैं एक अलग से एलईडी ड्राइवर जो है वो मैंने इसमें लगाया है, आप देख सकते हैं। ये आपको 120 से 150 रुपए के अंदर इसको मिल जाएगा। ज़्यादा मैं ये जो मदरबोर्ड है इसको मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं करूँगा। और ये मेरे को इसको बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम मेरे पास पहले भी आया था। तो शायद वही प्रॉब्लम होगा। तो मैंने सीधा सीधा इसका एलईडी ड्राइवर जो है, मैंने इसका सेक्शन को बारीकी से देखा और देखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कैपेसिटर है 100 वोल्ट का, ये कैपेसिटर भी चेंज किया हुआ है। और सारा जो है मॉस्फेट, उसके बाद वो जो कैपेसिटर और PWM ड्राइवर, वो भी चेंज करके देखा है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ये फिल्टर भी चेंज कर दिया हुआ है, सब कुछ भी चेक कर लिया लेकिन प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि एलईडी जो आपका बैकलाइट ड्राइवर, एलईडी चेकिंग करने के लिए जो एलईडी टेस्टर मिलता है ना, उसके मैंने एलईडी सप्लाई पे लगाया तो प्रॉब्लम सही हो गया था। उसके बाद ही मुझे पता चला कि इसको इसका ड्राइवर का ही प्रॉब्लम है। तो मैंने ज़्यादा बोर्ड को छेड़खानी नहीं किया, तो सीधा सीधा यहाँ से 12 वोल्ट उठाकर मैंने जो एलईडी जो ड्राइवर बोर्ड है उसमें सप्लाई दे दिया और एक 39 के का रजिस्टर उसमें इनेबल कर दे दिया। देख सकते हैं आप, वहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो अभी यहाँ पर लगा के टेस्ट करेंगे। तो मैंने सारा कुछ कर लिया है, तो अभी बोर्ड इसको पावर दे के देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ये दोस्तों, मैंने टीवी को पावर दे दिया, स्विच ऑन किया, देखिए दोस्तों ये प्रॉब्लम देखिए सॉल्व हो गया। पहले नॉइस आ रहा था, देखिए अभी नो सिग्नल में ही नॉइस आ रहा था लेकिन अभी जो नॉइस था वो हट चुका है। तो पिक्चर में भी एक बार चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों, पिक्चर सही तरीके से आ चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना पड़ा, क्योंकि डेड मदरबोर्ड डेड भी हो सकता है। ज़्यादा छेड़खानी करने से समय भी कम लग गया, ज़्यादा समय भी नहीं लगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हर वक्त पैनल का ही प्रॉब्लम होगा ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पैनल कभी कभी सही रहता है लेकिन हम ज़्यादा सोचने लग रहे थे कि ये डिस्प्ले का ही प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने सही तरीके से, अच्छे तरीके से जो बोर्ड है उसको मैंने फिट कर लिया और टीवी सही चल रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा।